हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, यूट्यूब की तरफ से कुछ ऐसे अपडेट्स आए हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी। मैं एक एक करके सारे अपडेट्स आपको बताऊंगा, आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना। सारे अपडेट्स इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। अगर आप लोग यूट्यूबर हो तो आपके लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपडेट्स होने वाले हैं। तो आप लोग एक एक करके अपडेट्स देखना, मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। यूट्यूब अपने मोनेटाइजेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस किया है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहना। चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अपडेट है एड्स को लेकर। पहले होता था क्या कि हमारे हाथ में सारा कुछ होता था एड लगाने, स्किपेबल नॉन स्किपेबल, जितना एड होता था हम खुद से अपने वीडियो में लगाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो पहले अपडेट आने वाला था वो लागू हो चुका है, नवंबर से जो लागू होने वाला था वो लागू हो चुका है फाइनली। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है एड लगाने वाला, सिस्टम सारा खत्म हो गया। अब यूट्यूब खुद से आपके वीडियो में एड लगाएगा, एड चलाएगा अपने हिसाब से, जैसा वो चाहेगा वो अपने हिसाब से आपके वीडियो में एड चलाएगा। बस आपके हाथ में एक एड है, वो आप लगा सकते हो मिडरोल एड, जो आपका 8 मिनट से ज्यादा लॉन्ग वीडियो है उस पर आप लोग मिडरोल एड, बीच में जो एड होता है लगाने का ऑप्शन, वो आप लोग सिर्फ लगा सकते हो, बाकी कोई और एड नहीं लगा सकते हो आप लोग। तो ये है पहला अपडेट। और दूसरा अपडेट है कम्युनिटी पोस्ट को लेकर। अगर आप लोग कुछ ऐसा कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करते हो जो YouTube गाइडलाइंस के खिलाफ है, वायलेट करता है, तो आपके पास स्ट्राइक्स आ सकता है, आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है। या अपने कम्युनिटी पोस्ट में अगर दूसरे का लिंक शेयर करते हो, दूसरे चैनल के या दूसरे वीडियो का, और उस वीडियो में कुछ ऐसा है YouTube का जो वायलेट कर रहा है कम्युनिटी गाइडलाइंस को, तो आपके चैनल पर स्ट्राइक आ सकता है। उसके चैनल पर स्ट्राइक नहीं जाएगा, वो स्ट्राइक आपके चैनल पे आएगा। तो कुछ भी आप कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करने से पहले इस बात को ध्यान में रखना, कुछ भी वहाँ पर शेयर नहीं करना, कुछ भी पोस्ट नहीं करना है जो यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ हो। जो तीसरे नंबर पे अपडेट है वो मेरे हिसाब से यूट्यूब को नहीं करना चाहिए था। आप लोग कमेंट में बताना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अपडेट है एडल्ट कंटेंट, यानी कि कुछ मोनेटाइजेशन पॉलिसी में यूट्यूब ने चेंज किया है। जो पहले एडल्ट कंटेंट पे मोनेटाइज नहीं किया जाता था वीडियो को, अगर आप लोग वैसा कंटेंट डालते हो एडल्ट कंटेंट, तो उसको मोनेटाइज नहीं किया जाता था। अब उस तरीके का कंटेंट को अब YouTube कह रहा है कि अब उस तरीके का कंटेंट मोनेटाइज किया जाएगा जिसमें कि ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है, उस तरीके का कंटेंट अब मोनेटाइज होगा फाइनली YouTube पर। लेकिन आप लोग कमेंट में बताना कि इस तरीके का कंटेंट YouTube पर मोनेटाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। मेरे हिसाब से तो ऐसा इस तरीके का अपडेट नहीं लाना चाहिए था। इस तरीके के कंटेंट पे, इस तरीके का वीडियो पर अगर आप लोग YouTube पर देखोगे तो भर भर के व्यू जाता है। अब तो और ज्यादा आएगा और ज्यादा इस तरह के कंटेंट लोग बनाएंगे। अगर इस तरह का कंटेंट मोनेटाइज होने लगा तो और भी YouTube पर ज्यादा गंदगी बढ़ जाएगा, ये तय है। तो आप लोग बताना अपने हिसाब से कि ऐसा अपडेट लाना चाहिए था YouTube को कि नहीं लाना चाहिए था, आप लोग कमेंट में बताना। YouTube पर होता क्या था कि अगर आप लोग एडल्ट कंटेंट डालते हो तो उस पे लिमिटेड एड्स चलता था या नॉन मोनेटाइज होता था वीडियो, मोनेटाइज नहीं करता था YouTube ऐसे कंटेंट को। लेकिन अब एडल्ट कंटेंट को, मतलब पूरा एडल्ट नहीं, सेमी एडल्ट कंटेंट को यूट्यूब कह रहा है कि अब उस तरीके का कंटेंट, सेमी एडल्ट कंटेंट मोनेटाइज होगा, फुली एडल्ट नहीं, उस तरीके का वीडियो मोनेटाइज नहीं होगा चैनल, आपके यूट्यूब चैनल पे उस तरीके का कंटेंट नहीं मोनेटाइज होगा, लेकिन सेमी एडल्ट कंटेंट यूट्यूब चैनल पर मोनेटाइज होगा। और जो लास्ट अपडेट है जो मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, वो है एक यूट्यूब और फीचर लाया है फॉर यू करके। फॉर यू करके एक टैब है जो आप लोग अपने चैनल को ओपन करोगे जैसे ही, तो आपके लिए यहाँ पर फॉर यू का एक टैब दिया गया है। अगर आप लोग जैसा आप लोग एक कंटेंट देख रहे हो अपने चैनल पर, जैसे मान लो कोई ऑडियंस, कोई बंदा आपके चैनल पर गया, विजिट किया, और आपके चैनल पे कोई एक वीडियो देखा और उसी के रिलेटेड, मतलब उसी से रिलेटेड आपके चैनल पर फॉर यू करके उस बंदे को और वीडियो उसी से रिलेटेड दिखाया जाएगा। जैसे मान लो कोई मेरे चैनल पर कार्टून वाला वीडियो देखा, जैसे क्रोमाटून से कैसे कार्टून बनाया जाता है उस तरीके का, तो उसने वो वीडियो देखा तो उसी से रिलेटेड और YouTube क्या करेगा, फॉर यू टैब में उसी से रिलेटेड उसको और भी वीडियो दिखाएगा, उसके टैब में, उसके मोबाइल के टैब में, फॉर यू टैब में उसको और सारा इसी से रिलेटेड वीडियो दिखाया जाएगा। तो चाहे तो इससे देख सकता है, इससे व्यूज बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो यह है लास्ट वाला अपडेट जो मैंने एडवांस में आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।